आगे देखिए एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योगों पर हमारी विशेष पेशकश छोटे सपने बड़ी मंजिलें। सहारा प्रणाम। ग्लोबल मंदी का दबाव भारत पर भी देखा जा रहा है। भारत स्लोडाउन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के एक अहम क्षेत्र माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की सेहत का जायजा लेने और आगे की राह तलाशने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खास सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें आपके अपने नेटवर्क सहारा समय ने बतौर टेलीविजन पार्टनर भूमिका निभाई। यूपीए सरकार अपने कार्यकाल के 5 साल लगभग पूरे कर चुकी है। चुनाव सिर पर है, लेकिन उससे पहले है अंतरिम बजट। ऐसे समय जब कारोबार चलाना कठिन हो रहा है, तो एसएमई क्षेत्र की नजर भी इस अंतरिम बजट पर है। आर्थिक मंदी ने एमएसएमई सेक्टरों की रफ्तार रोक दी है। देश के विकास में विशेष योगदान निभाने वाले ये सेक्टर मंदी की मार झेल रहे हैं। सरकार भी इसे उबारने के लिए चिंता में है। इसी बात को ध्यान में रखकर इकोनॉमिक टाइम्स ने दिल्ली में होटल ओबराय में एक एमएसएमई समिट का आयोजन किया, जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। सबके सामने एक ही सवाल था कि आखिर ग्लोबल मंदी के दौर में इस सेक्टर को राहत कैसे पहुंचाई जाए। पिछले दिनों सरकार ने 2 बेलआउट पैकेज दिए, जिसमें इस सेक्टर का भी ख्याल रखा गया। अब निगाहें अंतरिम बजट पर टिकी हैं। एसएमई सेक्टर के लोग सरकार से करों में कटौती किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी मांग आसानी से और उचित दर पर कर्ज उपलब्ध कराए जाने की है। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर चीजों की जड़ है। देखिए, गवर्नमेंट का काम है कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी सुविधाओं को अगर मजबूत करेगी तो उसका फायदा सभी सेक्टरों को मिलेगा, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो फैमिली।